बाहर में जाए आपका धर्म और राष्ट्रीय परंपरा। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जहां आप एक का नहाने वाले थे, हेलो गाइस, मैं हूं फहीम और मेरे पीछे आप देख रहे हो मुंबई का एक खूबसूरत व्यू, जहां पर आपको मरीन ड्राइव का किनारा चमक रहा है, साथ में ओबेरॉय होटल की बीच में बिल्डिंग भी चमक रही है। दोस्तों, मैं यहां पर हूं गिरगांव चौपाटी पर। ये गिरगांव चौपाटी है और इसके बाजू में वो खूबसूरत समंदर का नेक वाला व्यू है, जिसको मरीन ड्राइव या मरीन लाइंस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बीच, ये जो बीच है इसको गिरगांव चौपाटी बोलते हैं और उसको मरीन ड्राइव का एरिया बोलते हैं। यहाँ पर जो आपको एक पुरानी सी बिल्डिंग दिख रही है, वो है एक कॉलेज, जो ब्रिटिश के जमाने का कॉलेज है, जिसका नाम है दोस्तों द विल्सन कॉलेज, जो करीब 190 साल पुराना है। दोस्तों, उसी कॉलेज के अंदर अब से 31 साल पहले बनी हुई फिल्म सड़क की शूटिंग हुई थी। दोस्तों, उसी फिल्म के अंदर एक सीन दिखाया गया है हॉस्पिटल का। वो जो हॉस्पिटल दिखाया गया है दोस्तों विल्सन कॉलेज के अंदर, वो यही कॉलेज है, वह यही इमारत है। तो ये सामने गिरगांव चौपाटी के इधर है कॉलेज, जहां पर एक नहीं न जाने कितनी सारी बॉलीवुड की फिल्मों के सीन रिकॉर्ड किए गए हैं, और एक फेमस लोकेशन है मुंबई में विजिट करने के लिए। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so... ये चरनी रोड ग्रैंड रोड का एरिया है दोस्तों, और तुम शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हो कि गिरगांव चौपाटी के सामने खड़ा हुआ हूँ। टाइम हो रहा है अभी 1:30, दोपहर का संडे का दिन है दोस्तों, और धूप बढ़िया वाली निकल रही है, लेकिन सामने से जो समंदर की ठंडी ठंडी हवा आ रही है वो बहुत सुकून दे रही है। दोस्तों, आज मैं आपको एक फिल्म की शूटिंग लोकेशन का नाम है सड़क फिल्म। दोस्तों, वो फिल्म 91 की है, उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि करीब 31 साल पहले वो फिल्म रिलीज़ हुई थी। तो 31 साल पहले दोस्तों मैं था भी नहीं, और आप जो ऑडियंस देख रही है उसमें से कुछ लोग होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो दोस्तों, 31 साल के बाद ये मुंबई बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी वैसी ही सेम है। तो दोस्तों, वही चीज़ आज हम आपको दिखाने आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो विल्सन कॉलेज। तो दोस्तों, ये वही विल्सन कॉलेज है जो सालों साल पुराना है। मतलब ये इतना पुराना नहीं है कि मुझसे, मेरे पैदा होने से पहले बना हुआ है। दोस्तों, ये मेरे पापा के पापा के पापा के टाइम का बना हुआ होगा, बिकॉज ये 1832 में बना था, 1832 में। दोस्तों, उस हिसाब से आज इस कॉलेज को बन के 190 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि 190 ईयर्स कितना होता है यार। और 190 ईयर्स के बाद ये कॉलेज का बिल्डिंग आज भी ऐसा ही खड़ा है। दोस्तों, मेरा यहाँ पर आने का मकसद है कि मैं आपको सड़क फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखा पाऊँ। तो दोस्तों, आप जो ये गेट देख रहे हो, आप यहाँ से गेट देख सकते हो, ये साइड भी ऐसा ही है और ये वो साइड भी ऐसा ही है। दोनों तरफ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपको एकदम सेम दिखेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे ये फ्रंट गेट है, मतलब इधर गेट है, तो एक साइड ये और एक साइड ये, लेकिन वो जो सीन रिकॉर्ड किया गया है जहाँ पर संजय दत्त खड़े हैं वो अंकल के साथ में, जो पुजारी हैं, जो पूजा करते हैं, पंडित जी हैं, तो संजय दत्त और वो जहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तो देखो वो आपको ऐसी
की लोकेशन दिखेगी, लेकिन वो ये साइड से नहीं, वो ये साइड से रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इस तरफ से यहाँ से रिकॉर्ड किया गया था। पहले आप दोस्तों इसको देख सकते हैं, जहाँ पर कॉलेज का नाम लिखा है, द विल्सन कॉलेज, जो गिरगांव चौपाटी के सामने फ्रंट में है। तो ये दोस्तों, ये कॉलेज जो आप देख रहे हो, विल्सन कॉलेज, बहुत पुराना कॉलेज है, और ये वही कॉलेज है जो सड़क फिल्म में दिखाया गया है। दोस्तों ये जो आप विंडो देख रहे हो, ये वही विंडो है जहाँ से हीरोइन गिर जाती हैं, जहाँ से उनको धक्का दे दिया जाता है। तो दोस्तों आप देखिए, ये विंडो आज भी वैसी ही विंडो है जैसी आपने 30-31 साल पहले बनी हुई फिल्म सड़क के अंदर देखी है। लेकिन दोस्तों ये कॉलेज तो 190 साल पुराना है। दोस्तों आप देखिए, पत्थर का डिज़ाइन आप चेक कर सकते हो, दोस्तों आप डिज़ाइन चेक कर सकते हो, आप जो पत्थर लगे हुए हैं वो चेक कर सकते हो, एवरीथिंग इज सेम है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे अब से 30-31 साल पहले सड़क फिल्म के अंदर। तो दोस्तों यही वो लोकेशन है जहाँ पर संजय दत्त खड़े हैं, यही वो लोकेशन है जो हॉस्पिटल दिखाया गया है फिल्म के अंदर, पर संजय दत्त और ये पंडित जी खड़े हैं, ये विल्सन कॉलेज के इस जगह पर रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों फिल्म को बनके 30-31 साल हो चुके हैं, काफ़ी चेंजेस हो चुका है, लेकिन फिर भी ये लोकेशन आज भी आपको वैसे ही दिख रही है। तो इस जगह पर दोस्तों ये सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे, आप इसको मैच कर सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप आपका प्यार दें लाइक करके और कमेंट करके। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी ऐसे ही कोई और दूसरी जगह देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपको वो वीडियो ज़रूर बना के दिखाएंगे। दोस्तों अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग।